कल जिसके साथ आप आए थे ना उससे ज्यादा प्यारी है। तो कल वो बता रहे हैं कि तुम कल किसी और गोद में सर कौन है यार, तो कोई बोलते ही नहीं। तू जा यार। हां तो मैं करूंगी। मुझ पे तुम हाथ उठाओगी? हट जाओ, मैंने तुम्हें कहा हट जाओ। शर्म नहीं है इसको? दे मेरी बात सुन, मेरी बात। क्यों ब्रेकअप हो गया? किसी भी वजह से। यासिर भाई वहां पर ना एक कपल बैठा हुआ है, तो आपने जरा उनके ऊपर कैमरा करना। काफी दिन हो गए किसी की लड़ाई नहीं करवाई है, वैलेंटाइन मना रहे, थोड़ा सा पंगा करते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है यार, जानिए कॉल करवा दोगे यार? मेरा थोड़ा सा मसला, मेरा मोबाइल डेड हो गया यार। सॉरी यार। बट ठीक है, बस एक छोटी सी करूँगा क्योंकि ना मेरा दोस्त यहाँ पे आसपास कहीं पे है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसे बताना है कि मैं कहाँ पे हूँ। अच्छा, फिर कहीं जाइए कि ना जाइए? जी इधर ही बैठ के कर देता हूँ। चलो थैंक यू। हाँ जानी, किधर है? हाँ मैं ये पीछे वाले गेट से अंदर आऊँ। ये भाई किसी मैंने ना मोबाइल लिया कॉल कर तुझे, जल्दी से आ जा भाई। वैसे एक बार बताऊँ, कल जिसके साथ आप आए थे ना उससे ज़्यादा प्यारी है वाली। क्या मतलब? हाँ क्या मतलब? क्या मतलब आपका? जानी तुझे कॉल करता हूँ। किसके साथ है आप? यूनिवर्सिटी। आपका नंबर भी ऑफ था और वो बता रहे हैं कि आप कल किसी लड़की के साथ भी थे। किसने किसी और को देखा होगा? किसी और को देखा होगा? नहीं नहीं, आप थे ना, मुझे याद है वो चॉकलेट। नहीं नहीं यही थे, वो चॉकलेट भी खिला रहे थे ना आप उनको। अच्छा, दे और निकल। चॉकलेट भी खिला रहे थे आप उन्हें? मैं किसी को क्या उसकी चॉकलेट खिलाऊंगा? कल कहाँ था? यूनिवर्सिटी में था, क्लास में था। नंबर क्यों ऑफ था? बैटरी डेड हो गई थी। तो बताया क्यों? ऐसे हर टाइम मुझे यूनिवर्सिटी में ऐसे बातें करते रहते हैं। उसके अलावा मैं कल नहीं बताया, सिर्फ घर में अपने काम भेज दिया था, वहाँ से मैं लेट आया, सो गया। मैसेज पे बात भी नहीं की रात को आपने? बताया तो था, मैं सो गया था। सो गए थे? हाँ जी। अच्छा हाँ ना, तो आगे पीछे तो मुझसे डेली बातें करते हो, कल क्या हुआ था सिर्फ? कोई एक अनजान बंदा आया, उसकी बातों में आकर तुम मुझ पे शक किए जा रही हो। आपने वो शर्ट पहनी थी, बेबी पिंक शर्ट पहनी, तो लड़की कैसे हाथ रखा हुआ था आपने ना? बेबी पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। कौन है भैया? जाओ यार, क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई? कल किसके साथ? किसी तुम्हारे पास पावर बैंक होता है? नहीं था कल, कल इसलिए बैटरी डेड हो गई है। और तुम इसकी बातों में आके मुझ पे शक किए जा रही हो? तो मैं इसकी बातों में वो झूठ क्यों बोलेगा? तो यही तो बात है, ये वो क्यों झूठ बोलेगा ना? हम देखो, हम यहाँ बैठे हंस रहे, खेलते, बातें कर रहे हैं। खेल तो नहीं रहे थे, बैठे हुए थे, हंस रहे थे बस। तो इसको वो बात, परसों मैंने तुमसे बोला कि मैंने कल तुमसे मिलना है, तुमने मुझे मना कर दिया। ठीक है, मैंने कहा ओके, तुमने बोला मुझे लेक्चर लेना है, बहुत ज़रूरी लेक्चर है। तो लेक्चर में ही था ना? तो कल वो बता रहे हैं कि तुम कल किसी और गोद में सर कौन है यार? तू गोद में सर भी रखा हुआ था उसकी? ये झूठ बोल रहा है, मैं किसी के साथ भी नहीं था, मैं कल यूनिवर्सिटी में था। मैं तभी मैं सोचूं तुम मुझसे क्यों इतना दूर दूर हो रहे हो? कब दूर हूं मैं? उसकी गोद में सर क्यों रखा हुआ था? मैं आप उसको चॉकलेट्स खिलाते फिर रहे हो क्यों? मैं मुझसे मेरे लिए तो आजकल एक कोक की बोतल ही ले गई तुमसे, कभी मिलते हुए कुछ लेकर आए हो मेरे लिए? ये झूठ बोल रहा है ना? चार सालों में मुझे क्या कुछ लेकर दिया है? आप मुझे बताएं कल किसके साथ थी ये, किस तरह की लड़की थी? लड़की तो पता नहीं, बस नॉर्मल सी, इतनी प्यारी भी नहीं थी यार। तू उठा। नहीं नहीं नहीं, पैसे लेके झूठ नहीं बोलूंगा मैं, जो सच है वो। पैसे नहीं लूंगा मैं, मुझे पैसों की ऑफर की इशारे कर रहे उन्हें, ऐसे ऐसे किया उन्होंने। झूठे इंसान, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? ये झूठ बोल रहा है। तुम इसे जानती हो? तुम इसे जानते हो? नहीं तो वो क्यों झूठ बोलेगा फिर? दुनिया को तो किसी की खुशी हजम ही नहीं होती, ये उस जालिम दुनिया से। शक्ल देखो, उसकी शक्ल देखो तुम, तुम्हें लगता है वो झूठ बोल सकता? इतना मासूम सा चेहरा है उसका। ये मासूम सा चेहरा, ये तुम्हारी तो मैं तुम्हें अब क्या बोलूं? मुझे बताओ, अगर मुझे पहले आप बताए तो अभी गर्लफ्रेंड में कोई बोलते ही नहीं। तू जा यार, देखिए मैं मुझे मार रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा हाथ लगा उसके, बताओ कल किसके साथ? इसकी वजह से तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो? हां तो मैं करूंगी उसको ना। कल नंबर तुम्हारा बंद, ठीक है? यूनिवर्सिटी का झूठ बोल के तुम इधर लड़कियों के सब मुंह काले कराते हो। उसको कह रहे थे, मुलाकातें करते हो आके। मैम उसको ना कह रहे थे, एक सेकंड उसकी बात सुन ले। मैं तुमसे ना शादी करूंगा और तुम्हें कहीं बाहर रखूंगा, मतलब किसी के साथ नहीं रखूंगा। अलग कसम, ये झूठ बोल रहा है ये बंदा, इसके चेहरे को उसके साथ भी शादी के लारे की है। मैं झूठा इंसान? कौन है तू? हमारे रिश्ते में इसको मैंने तुम्हें कहा हाथ ना लगाओ, आप साइड पर हो जाए। आप इसकी अचानक से इतनी क्यों फिक्र होने लग रही है? मुझे सच्चाई बताइए तुम्हारी,
झूठा है ये इंसान, इस, इस, इसकी शक्ल देख। उसको कह रहे थे तुम्हें ना मैं पिंक कलर का लहंगा लेके दूंगा शादी पे हमारी जब शादी। अच्छा, उसको लहंगे लेके देते फिर रहे हो, इसकी वजह से तुम मुझे धक्के दे रहे हो। उस दिन बोला मुझे जींस दिलाओ, तुमने मुझे नहीं देके दी। हां तुमने मुझे बोला बेबी नहीं सैलरी नहीं आई अभी तक। हां सैलरी आती है, लहंगे लेके देते फिर। सैलरी आती है तो मैं तुम्हें लेकर दूंगा यार। कब आई तुम्हारी? 4 सालों में सैलरी कब, कितनी दफा आ चुकी है मैम? एक दफा, एक तुमने मुझे कोई रिंग भी होती है ना आर्टिफिशियल। ओए निकल जा, तू मेरी नजरों के सामने से निकल जा। मैम एक ऐसी बात बताऊं आपको, मुझे दुख, हटो हटो हटो, इसकी वजह से तुम मुझे धक्के दे रही हो। मैम मुझे दुख पता है किस बात का हुआ? चॉकलेट डे पे कोई और लड़की थी इनके साथ, ठीक है? हग डे पे, हग डे पे कोई और लड़की थी, किस डे पे कोई और लड़की थी इनके साथ। हट जाओ, मैं कह रही हूं हट जाओ, हट जाओ। मैम आप इधर है, मेरी बात सुनिए। ये तो ऐसे ही मुझे मारते रहेंगे। उसको हाथ नहीं लगाना। क्यों ना लगाऊं? नहीं लगाना हाथ, हटो। वो मेरे, हटो। मैं अभी तेरा हाथ उठा बैठूंगी, हट जाओ, साइड पर हट जाओ। इसकी वजह से मुझ पे तुम हाथ उठाओगी? हट जाओ, मैंने तुम्हें कहा हट जाओ। तो ना मैम उसकी ना गोद में जब सर रखा हुआ था ना उन्होंने, तो उसको बोले तुमसे हसीन कोई है ही नहीं इस दुनिया में। देखो तू चुप करके निकल जा। कितने? 2 लाख? ना मैं पैसे नहीं लूंगा। तुम मुझसे झूठे नारे लगाते हो, मुझे धोखे दे रहे हो। मैम उसको पता है क्या बोल रहे थे? इस झूठे इंसान की वजह से तुम मुझ पे शक कर रही हो। पीछे मैंने अपने 4 साल बर्बाद कर दिए। हां मैं तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है मेरा। मैम मेरे कितने रिश्ते हैं तुम मुझे धक्के दे रही हो, मैम इसकी वजह से धक्के दे रही हो। अच्छा मैम बात तो सुने, मैम उसको पता है क्या बोल रहे थे? उसको बोलते मैं ना एक गर्लफ्रेंड चुड़ैल जैसी, उसको मैं ब्रेकअप कर लूंगा, छोड़ दूंगा उसको तुम्हारे लिए। चुड़ैल जैसी? ओह नो। और निकल जा, कहां से आया तू, कौन है तू? हटो यहां से, मेरे सामने दफा हो जा। देख मेरी बात, 4 सालों में मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत लगती थी, बहुत। तुम हो मेरी, कल तो उसके सामने चुड़ैल बोली जा रही थी, मुझे शर्म नहीं आई। इसकी शक्ल देख, वो हंस रहा है, इसकी शक्ल देख, झूठा है ये कहां हंस रहा है वो? ये झूठा यार, तुम इसकी बातों पे यकीन किए जा रही हो? ये इतना इनोसेंट सा फेस है उसका, वो क्यों झूठ बोलेगा? तेरी शक्ल मैं बिगाड़ दूंगा, निकल इधर से। मैम मार दे मुझे। हट जा, तुम्हें मैंने कहा है हट जा। तुम मुझे इसकी वजह से धक्के दे रही हो। मैम बात सुने, मैम बात सुने, आप ना मुझे अपना नंबर दे, मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। ये नंबर लेना चाह रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको ये नंबर लेना चाह रहा है। मेरी ये नंबर लेना चाह रहा है? नंबर लिखे जी जी, ठीक है। आपने क्यों नंबर लिखे? ये तो मैं दूंगी, तुम अपने मुंह काले कराते फिर इधर लड़कियों के साथ डेली इस पार्ट में आते हो, हर नई लड़की के साथ। मैं उसको अपना नंबर भी ना दूं? तुम होते कौन है मुझे मना करने वाले? तुम मेरे 4 साल के रिलेशन पे शक कर रही हो बेबी? हाँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि 4 सालों में तुमने बहुत कुछ अपने आप बदल लिया है। कहाँ बदला है मैंने? मैम कह रहे थे कितने दिन हो गए तुम मुझे लारे लगा रहे हो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे सही तरीके से। तभी मैं सोचूं, कह रहे थे तुमसे शादी करके यूरोप में रखूंगा तुम्हें। और निकल जा, सभी शादी के लारे लगा, निकल जा। ओए कहाँ से आया तू? तेरी मैं मार रहा हूं, निकल जा, कह रही हूं हट जा। इसकी वजह से तुम मुझे धक्के दे रही हो। क्यों भी शादी के लारे लगाया? क्यों नहीं आई? ये झूठ बोल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं है इसको? कल इतने झूठे दे, मेरी बात सुन, मेरी बात। क्यों ब्रेकअप हो गया? किसी भी वजह से तुम मैं पूछ रहा। अच्छा मैम बात तो सुने, मैम एक मिनट, मैम बात तो सुन लो, एक मिनट बात तो सुन लो मेरी। देखो बात पता है क्या, आपने नंबर नहीं दिया। खैर हाँ नंबर दे, मैं आपको सारे। क्यों नंबर दे वो? क्यों नंबर दे? क्यों नंबर देना तुमने किसी को? क्या कह रहा था? कह रहा था वो ना ऐसा कोई भी सीन नहीं, इनको मैंने कहीं भी नहीं देखा, मैं मजाक करता हूँ, कैमरा लगा हुआ सेट पे, फ्रेंड। आपको शर्म नहीं आती? देखते नहीं फिर बताते। बात सुने, आपको शर्म नहीं आती? मैं लॉयल्टी चेक कर रहा था, और दूसरी बात ये कि मैं हूँ ना, क्यों खराब हो रहा है? मैंने आपको बताने था एंड में। और वो चली जाती यार, वो कैसे चली जाती भाई? मैं हूँ ना इधर, कैसे उनको जाने देता? तुम्हारे लिए लेके आता उनको। वो दूसरा थोड़ा सा यकीन वकीन किया करें, कोई मसला नहीं, वो किसी के साथ नहीं आते, अच्छे बंदे। आई एम सो सॉरी। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो मैं आप लोगों को कर सकता हूँ अपनी वीडियो में, कह सकते हैं। तो बाकी ख्याल क्या करें थोड़ा सा, ऐसे इनको मैंने कहीं भी नहीं देखा, ठीक है? आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो इस वीडियो का कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस वीडियो में हम करते हैं 100K लाइक, जल्दी से लाइक कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।